तो जय श्री राम गाइज, कैसे हो? सो गाइज, अभी अपन लोग आज गैवीनाथ मंदिर जाने वाले हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज गैवीनाथ मंदिर के बारे में, प्लस अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहना गाइज, अभी अपन लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली गाइज, अभी अपन लोग आ चुके हैं दुर्गा मंदिर, और फिर ये अपने बाबा इधर हैं, और यहाँ से देखो माँ दुर्गा माता मंदिर का, पार्वती माता का इधर मंदिर है, और फिर ये अपना बाबा है। तो आशीर्वाद दीजिए बाबा। कुछ मंदिर के बारे में बता सकते हैं बाबा? क्या पूछते हो? जैसे कि कब इस मंदिर का स्थापना हुआ था? ये मंदिर का स्थापना नहीं हुआ, बल्कि ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। हाँ जी बाबा। ये गंगा आने से पहले की इसका कहानी है। यहाँ एक जाह्नवी मुनि रहते थे। जैसे गंगा का जब पृथ्वी पर आने का बात हुआ भागीरथ, हाँ जी, भागीरथ द्वारा जब ऊपर से देवलोक से जब आने लगे तो उनको अभिमान आ गया, हाँ जी बाबा, कि हमारा वेग जो है सो कौन रोकेगा धरती, हाँ जी, इसलिए जाओ अगर कोई रोकने वाला है तो पहले उसका व्यवस्था करो, उसके बाद नहीं तो हम पताल चले जाएंगे धरती चीरते हुए। अच्छा। तो जब इतना बताया तो पुनः भागीरथ धरती पे आए, फिर पता लगाने लगा तो उनका वेग रोकने वाला कोई नहीं था। तो भगवान शंकर का वो तपस्या किया, और भोलेनाथ का तपस्या करके भोलेनाथ को प्रकट किया, और भोलेनाथ को ही मना करके तब बाबा बोले भोलेनाथ की जाओ गंगा को आदेश करो और धरती पर आने का। तो वो आने का आदेश किया, उसके बाद में यहाँ शंकर हिमालय ने अपना जटा फैला दिए, गंगा तो गरजते हुए ऊपर से छूटा और आकाश चीरते हुए आ गया धरती पे। वहाँ भोलेनाथ थे, जटा फैला दिए, धरती पे आने दिए नहीं, जटा में समेट लिए। हाँ। फिर उस जटा में बहुत दिन घूमते रह गए, फिर भागीरथ तपस्या किया और शंकर को प्रकट करके तब वहाँ से मुक्ति करवाया गंगा को। अच्छा। फिर वहाँ से जब गंगा चली तो फिर अभिमान हो गया कि अब हमको कौन रोकेगा। अच्छा। तो जब जट्टा से निकल करके जब धरती पर पहाड़ से निकलते आई तो फिर अभिमान आया, तो वो गौ के रूप में, गौ माता जी, न जाने कौन से देवता थे, लेकिन कहा गया है गौ माता ही सूखा हुआ जगह पे घास चर रही थी और बहुत प्यासे थे, बहुत गर्मी था, धूप था, तो वो प्यासे थे तो वो देखा कि यहाँ से कहाँ गया गंगा, तो गौ माता को देखा कि घास चर रही है, पूछा कि गौ माता यहाँ गंगा आई कहाँ गई, कहा वो मेरे पेट में गई। अच्छा। तो फिर गंगा माता को मुक्ति के लिए भागीरथ को गौ माता का तपस्या करके गौ माता को प्रसन्न करना पड़ा, उसके बाद फिर गौ माता जब प्रसन्न हुआ तो अपने मुख से गंगा को पुनः मुक्ति दिया। अच्छा। जब वहाँ से गंगा चली तो गौमुखी गंगा के नाम से। अच्छा। तो धीरे धीरे आकर के पृथ्वी छोड़ दिया और आने लगा इधर गंगा सागर के लिए। अच्छा। तो भागीरथ तो पीछे पीछे आता था गंगा। हाँ। में तो क्रेंट धार है। हाँ। तो वो आगे आ रही थी तो पीछे से भागीरथ आ रहा था। इसी बीच में यहाँ एक तपस्या कर रहे थे जाह्नवी मुनि नाम के। अच्छा, जो ऊपर मैंने अभी वीडियो में दिखाया जहांगीर। जाह्नवी मुनि नाम का एक संत थे तपस्वी, जो तपस्या कर रहे थे। हाँ जी। तो देखे कि वो तपस्या कर रहे थे और वो क्या देखते हैं कि गंगा जो है अपने वेग में करंट में आवाज करते हुए गड़गड़ घटा के तरह बादल के तरह गरजते हुए आ रही थी। अच्छा। और सारा पानी से जलमय हो रहा था, तो जलमग्न होने के कारण से वो देखे कि अरे ये तो दुनिया को लय पर लय कर देगा, सारा जीव जंतु जितने में अपने पेट में रख लिए लाभी कुंड में। अच्छा। जब उनके पेट में समा गए, जब उत्तीन पी गए तो। हाँ। पेट में चले गए। हाँ। तो फिर वो समा गया,
गंगा उनके लाभी कुंड में, फिर वही घूमते रह गई गंगा जैसे जटा में घूमती रह गई, वैसे उनका उनके मुनि के पेट में नाभी कुंड में रह गई। फिर भागीरथ पीछे से आया, यहाँ आने के बाद देखता है यहाँ से गंगा आगे बढ़ता ही नहीं है, इसका मतलब कोई बात है। हाँ। वह भी तो तपस्वी था। हाँ। वो अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक मुनि जो है संत, वो तपस्या कर रहे हैं ऊपर में। हाँ। तो तपस्या करते देखे तो फिर वो मुनि को प्रसन्न करने के लिए फिर तपस्या करना शुरू कर। अच्छा। और मुनि जो है थे तो तीन अंगुली में पी करके तपस्या पे बैठ गए थे। हाँ। तो भंग करना तो गलती है। हाँ। इसलिए मुनि का तपस्या भंग करने से पहले वो खुद तपस्या करके मुनि को प्रसन्न करने करके उनका तपस्या भंग किया, फिर मुनि प्रसन्न हुए और बोले कि भक्त मांगिए क्या चाहिए, कहा हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए, आपके लाभी कुंड में हमारी माँ गंगा है जो हमारे पूर्वजों को उद्धार के लिए गंगा सागर इसको ले जा रहे थे, तो इसलिए उनको उद्धार आप कर दीजिए, मुक्ति जो हमका हमारे पूर्वज का उद्धार और मुक्ति हो जाएगा। अच्छा। तो पुनः वो बोले कि सवाल अगर मुंह से हम देते हैं तो जूठा होता है, पेशाब करते हैं तो इसका कोई महत्व गंगा का नहीं रहेगा। अच्छा। तो कहे कि कोई दूसरा उपाय तो देखिए। हाँ। तो वही दूसरा उपाय में अपना जंघा को चीर दिए और उसी से गंगा निकल गए। अच्छा। तो उस दिन से यहाँ से जहांगीर गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह है इसका महत्व। ठीक है, धन्यवाद बाबा, कल्याण मनोकामना। थोड़ा समय यार। सो आप लोगों ने सुना ना, बाबा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताए। प्लस ये इधर देखो, पार्वती माता जी का मंदिर है, देख रहे श्री माता पार्वती मंदिर, तो ये पार्वती जी का मंदिर है और बाबा ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। तो आप लोग बताएं तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और बाबा का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा ही लगा होगा। प्लस ये देखो माता पार्वती माता का पीछे का है द्वार, और ये इधर का साइड देखो ये गंगा जी, जिसके बारे में अभी बाबा ने बताया सारा कुछ संक्षिप्त रूप से बाबा जी ने बताए थे। और इधर के साइड में अभी आपको दिखाता हूँ ना, तो इधर के साइड अभी देखो ना, तो इधर के साइड कैसे फ्लो हो रहा है गंगा जी वो आप देखो। और फिर यहाँ पे बहुत कुछ मांगते हुए, प्लस इधर के साइड देखो बहुत सारा टेंट है, और यहाँ पे बरगद के पेड़ को पूजा करते हैं सारे लोग, पीपल का पेड़ इसको बोलते हैं। और इधर की साइड काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग हैं जो कि कवर लेके आते हैं जाने के लिए, यहाँ पे आए हुए हैं। प्लस और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, और ये अपना गंगा मैया। तो हर हर गंगा मैया।